presents Bear Music. Aisa aisa lagan likhaya guru ji, aisa aisa lagan likhaya hai. अरे जन्म जन्म से कवारी वारी सुरता अब के ब्याम रचाया है। अरे जन्म जन्म से कवारी वारी सुरता अब के ब्याम रचाया है। जन्म जन्म से कवारी वारी सुरता अब के ब्याम रचाया है। लगन लिखाया गुरु जी, ऐसा ऐसा लगन लिखाया कि जन्म जन्म से कमारी मारी सुरता ने अब के ब्याम ब्याम। वैसे अभी शादियों का सीजन है नहीं? तो हरी नाम की हल्दी लगाई, हरी नाम की हल्दी लगाई, चित का चंदन लगाया है। कोई भी व्यक्ति गाता नहीं, गवाया जाता है। जब सामने श्रोता इस प्रकार के बैठे हों तो वाकई ये लगता है कि नहीं, आज ये सभी सत्संगी जीव हैं। तो मन होता है कि उनको अपने मन की बात मैं अपने सामने रखूं। हो हरी नाम की हल्दी लगाई, चित का चंदन लगाया है। अरे राम नाम की मेहंदी लगाई, जद लाल लाल रंग आया है। गुरु नाम की लगाई, लाल लाल रंग आया है। ऐसा ऐसा लगन लिखाया गुरु जी, ऐसा ऐसा लगन लिखाया गुरु जी, ऐसा ऐसा लगन लिखाया है। जन्म 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 से कवारी वारी सुरता अब के ब्याम रचाया है। जन्म जन्म से कवारी वारी सुरता अब के ब्याम रचाया है। के आला गीला बांस कटाया, लाइन को रिपीट किया कर। आला गीला बांस कटाया, आला गीला बांस कटाया, मोतिया
मंडप सजाया है। पांच पच्चीस मिल बैठी सहेलियां मिलकर मंगल गाया है। पांच पच्चीस मिल बैठी सहेलियां मिलकर मंगल गाया है। ऐसा ऐसा लगन लिखाया गुरु जी, ऐसा ऐसा लगन लिखाया गुरु जी, ऐसा ऐसा लगन लिखाया है। जन्म जन्म से गुवारियों ने सुरदा अब के भ्याम रचाया है। जन्म जन्म से गुवारियों ने सुरदा अब के भ्याम रचाया। ये थे कि पांच पच्चीस मिल बैठी सहेलियां मिलकर मंगल, मिलकर मंगल गाया है। एक लाइन प्रस्तुत कर रहा हूं। हेरी सखी मंगली का गावारी, धरती अंबर सजावो री। अरे पांच पच्चीस मिल बैठी सहेलियां मिलकर मंगल गाया। पांच पच्चीस मिल बैठी सहेलियां मिलकर मंगल गाया। आदरणीय गुरुदेव आपको तो विराजना है, आप सब व्यवस्था बच्चे देख लेंगे। आदरणीय गजेंद्र जी राव जोधपुर की धरती से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं चाहूंगा एक बार पुरजोर तालियों के साथ में आप सभी लोग बाग उनका स्वागत सम्मान अभिनंदन करें। लीजिएगा बाबा मोहिनुद्दीन जी मंचला साहब। अब धूम धड़ा किस चढ़ी बराता, धूम धड़ा किस चढ़ी बराता, अरे बाजा बैंड बजाया है। आगे आगे अरे आगे आगे ढोल बजत है बरातियों को नचाया है। आगे आगे ढोल बजत है बरातियों को नचाया है। वो कौन सा बैंड और कौन से बाजे, कौन सा तो बैंड और कौन से बाजे। गजेंद्र जी राव बहुत सुलझा हुआ गाते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इनके पिता श्री जिन्होंने पश्चिमी राजस्थान में एक ऐसा मकाम हासिल किया कि जो अपने आप में एक अजूबा है। एक बार मैं चाहता हूँ रामनिवास जी राव के लिए जोरदार तालियों से हम सभी उनका अभिनंदन करें। तो उनके सुपुत्र अनिल जी देवड़ा भी यहाँ पर विराजित हैं। सभी क्रमानु अभी सभी की हाजिरी यहां पर होने वाली है। तो अब वो कैसा तो रमेश बाबू कैसा तो था बैंड और कैसे थे बाजे। कभी अगर वक्त मिला तो बिल्कुल इसको बड़े लंबे विस्तार से बताऊंगा। ये जो आवाज आती है ये सिर्फ उसी एक आदमी को सुनाई देती है, पास में बैठे वाले को सुनाई नहीं देती। जिसने साधा है, जिसने साधना की है भक्ति की है उसको सुनाई देती है, जिसने नहीं की है उसको तो वो ढोल ढमाके ही सुनाई देते हैं।
अनहद नांद वो नांद नहीं सुनाई देती तो हो अरे सुर तुन रत गई फेरा फिरिया सुर तुन रत गई फेरा फिरिया अरे कन्यादान कराया है गुरु सर ने अरे साहेब सर ने धर्मी दास बोले बिंद परण घर आया सर ने दास बोले बिंद परण घर आया केसरिया अब के ब्याह रचाया है जन्म जन्म से कमाई मारी सुरता अब के ब्याह रचाया है